आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नो पिक्चर नो बैकलाइट इंडिकेटर फंक्शन ओके। इसका मतलब इंडिकेटर फंक्शन ओके है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिकेटर लाइट जैसे हम रिमोट से ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है और उसके बाद वो ब्लिंक करती है, जैसे कि MI के इस केस में MI का ये TV है 32 इंच का, इसके अंदर ब्लिंक करता है और फिर बंद हो जाती है इंडिकेटर लाइट, फिर रिमोट से ऑन करने पे ब्लिंक करके TV स्टार्ट होना चाहिए, वो फंक्शन ओके है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नो पिक्चर नो बैक लाइट, ऐसी कंडीशन में चेक क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, देखो मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, कोलकाता की ट्रेनिंग के लिए जो भी मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं इसके नोट्स बना लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक टिकॉन 12 वोल्ट फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा। कुछ हम प्रैक्टिकली आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की स्थिति अभी बंद है बिकॉज हमने अभी पावर नहीं दिया। जैसे ही पावर देते हैं तो आपको कंडीशंस चेक करनी है इंडिकेटर लाइट की कि क्या कंडीशंस बता रही है। तो हम पावर देते हैं पहले और कंडीशंस चेक करेंगे। इंडिकेटर लाइट की कंडीशन ये ठीक है, इसके बाद बंद होनी चाहिए, ये बंद हो गई, ये नॉर्मल है। अब रिमोट से दबाने पर इसे ऑन होना चाहिए और ब्लिंक करना चाहिए। ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ गई। अब ये ब्लिंक करनी चाहिए एंड्रॉइड के फंक्शन तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी स्थिर है, अभी ये ब्लिंक कर रही है। अभी मतलब प्रोसेसर की कंडीशंस हमें ओके दिख रही है इसमें सारी कंडीशंस। तो हम 12 वोल्ट चेक करेंगे टिकॉन में जाने वाले इसके बाद, क्योंकि यहाँ बैकलाइट नहीं जली, छोटे छेदों के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर बैकलाइट ऑन नहीं हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम टिकॉन पे 12 वोल्ट चेक करेंगे। ग्राउंड की प्रोब हमने यहाँ पर टैग कर रखी है बिकॉज अभी मदरबोर्ड हमारा इस तरह से कनेक्टेड है स्क्रू के साथ, तो चेजिस ग्राउंड हमारा अभी ले सकते हैं हम। अभी हम मल्टीमीटर को वोल्टेज DC की रेंज में रख के चेक करेंगे, DC 12 वोल्ट ऑन टिकॉन। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट पहुँच रहे हैं या नहीं पैनल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकॉन के ऊपर 12 वोल्ट आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बैकलाइट ऑन वोल्टेज भी प्रेजेंट होगा। तो हम अभी एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं और सीधा बैकलाइट टेस्टर से चेक करेंगे बैकलाइट को। बैकलाइट टेस्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि बैकलाइट की प्रॉब्लम है, और यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है ग्राउंड टर्मिनल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी रेड वायर पॉजिटिव हो, कभी ब्लैक वायर भी पॉजिटिव हो सकता है, तो इस अंदाजे पे नहीं रहना है, ग्राउंड से चेक कर लेना है। ठीक है, नेगेटिव को, इससे हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है। बोर्ड के बॉटम में देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मार्किंग कोड लिखी होगी, उससे पहचानना है। अभी हमें पता है कि ये है रेड वाला पॉजिटिव और वाइट नेगेटिव है। ओपन कंडीशन बता रही है, आप देख सकते हैं 225 वोल्ट बता रहा है, दैट मीन्स अभी ये ओपन कंडीशन है, ये बिना प्रोब लगाए भी 225 बताएगा, इसका मतलब अभी हमारी कंडीशन ओपन है। तो हम अभी यहाँ पर पूरा पैनल असेंबली ओपन करेंगे और उसके बाद हमें बैकलाइट चेक करने मिलेगी। उसके लिए हम कुछ इस तरह के ओपनर्स यूज कर सकते हैं फ्रंट खोलने के लिए। तो कोलकाता की ट्रेनिंग में आ रहे हैं, जो जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो सब नोट्स आपको बना के ट्रेनिंग में आना है। ठीक है, सेमिनार में मैं देखने वाला हूँ कि आप मेरे वीडियो को कितना सीरियसली लेते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे बैकलाइट ओपन करने के लिए, फ्रंट खोलेंगे पहले। फ्रंट खोलने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होती है वो बता दूं। डिस्प्ले ग्लास को बचाना है, ये ब्रेक हो सकता है तो इसको बचाना है, बहुत सावधानी से खोलना है, एक एक स्टेप करते समय बहुत ही सोच समझ के काम करना है, कहीं भी फोर्सफुल एंट्री नहीं करनी है। जो हमारा ओपनर होता है उसको पैनल की तरफ नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां रखेंगे तो पैनल ब्रेक नहीं होगी। और दूसरी सावधानी रखनी है, पैनल को बाहर निकालते समय कॉफ कहीं अटक नहीं रही हो, वरना कॉफ फट जाएगी। और सिंगल कॉफ तो बहुत ही डेलिकेट होती है बिकॉज ये कहीं से भी जल्दी फट जाती है, बिकॉज इसको कोई सपोर्ट नहीं दूसरी कॉफ का, एक सिंगल कॉफ है, तो ये PCB बहुत जल्दी बैंड होती है। तो इसका ध्यान रखना है, जब पैनल ओपन करते हैं तो कॉफ निकल ना जाए, वरना आपको बॉन्डिंग मशीन पर ले जाके नई कॉफ डलवानी पड़ेगी अगर जो ये फट गई तो। सावधानी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं खोल के बता रहा हूँ आपको। अभी जो काम करने जा रहे हैं हम वो बहुत ही डेलिकेट है, तो बहुत सावधानी से काम करना है। जैसे मैं बताऊँगा एक एक स्टेप, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वो सब कुछ मैं एक धीमे धीमे आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर
LVDS केबल को निकाल लेना है, सोर्स पीसीबी को फ्री कर लेंगे। इसके बाद हम टेप लगा लेंगे। असेंबली खोलने तक हम अभी इसे कहीं टच होने नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेप से इसे फिक्स रखेंगे ताकि ये बैंड ना हो जाए जब हम डिस्प्ले असेंबली को खोल रहे हो। अड़चन वाले जो हिस्से होते हैं उसे या तो आप इस तरह से रबर बैंड से टैग कर लो, पूरी की पूरी केबल निकाल लो, क्योंकि ये कहीं कॉफ पे अड़ सकते हैं, डिस्प्ले को खराब कर सकते हैं, तो ये सारी सावधानियां रखनी है। इसके बाद अब हम फ्रंट खोलेंगे। फ्रंट किस तरह से खोलना है वो देख लीजिए। अप का पोर्शन ऊपर की साइड रहेगा और उसके बाद डिस्प्ले असेंबली को हम खोल रहे हैं। तो इसके लिए देखो मैं आउटवर्ड मूवमेंट करूंगा और जहां हो सके आपको यहां पर हाथों से ही खोलना है, जहां जहां आपको लगे कि इजीली खुल रहा है और जहां आपको लगे कि खुल नहीं रहा है वहां पे लॉक्स को खोलने के लिए ओपनर का यूज करना है। इस तरह से ये ओपन होता जाएगा एक एक साइड से। ये फ्रंट खोलने के टाइम बहुत सावधानी, उसके बाद फिर आराम से आप काम कर सकते हैं। एक बार डिस्प्ले आपने इसमें से निकाल ली, अब देखो मैं हाथ से भी अभी इसको आराम से खोल सकता हूँ, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं वो टाइट ज़्यादा होते हैं। पर आप देख सकते हैं ये हिस्सा खोलते समय भी सावधानी रखनी, बिकॉज यहाँ पर ये तीन गेट कॉप्स हैं। निकालते समय अगर जो आपका डिसमिस टच हो गया कॉप को, कॉप की आईसी डैमेज हो गई, तो फिर आपको बॉन्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी सावधानी से हमने डिस्प्ले को खोल लिया है। डिस्प्ले को निकालते समय सबसे पहले आपने जो टेप लगा रखी है सोर्स पीसीबी को पकड़ते हुए, मतलब हाथ से दबा के सोर्स पीसीबी को, बाद में फिर टेप खोलनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेलिकेट एरिया है वो हमने फ्री कर लिया है। अब डिस्प्ले को आराम से या तो टूल के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू उठा के रख सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे खड़ा करना है तो मैं वैक्यूम का यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज निकालते समय दिक्कत होगी मुझे। तो यहाँ पे देखो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, आपने निकालते समय ये कॉफ कहीं से टच नहीं होनी चाहिए और डिस्प्ले को आराम से उठाकर रख लेना है। और डिस्प्ले को पहले चेक करना है बैकलाइट लाने से पहले। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पहले चेक करेंगे, बैकलाइट बाद में मंगाएंगे। डिस्प्ले ग्लास पीस है 32 इंच का, तो बहुत ध्यान से इसे केयरफुली कॉप को भी बचाकर और डिस्प्ले ग्लास को भी बचाकर आपको इसे इस तरह से रख देना है। अब हम ये सारी जो असेंबलीस है जो डिस्प्ले के नीचे रहती है उसे निकाल लेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा येलोइश हो गया है नीचे का हिस्सा, तो हम ये बदलेंगे, बिकॉज़ ये हिस्सा आप देख सकते हैं बहुत ही येलो हो गया है। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा बैकलाइट का वो भी बहुत ज़्यादा येलोइश साइड में शेड में आएगा, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। बिकॉज़ ये अगर जो रखा तो क्या हो जाएगा, बैकलाइट डाल के भी कस्टमर को हम वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो एक्सपेक्ट करके वो आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये येलो शेड हो चुकी है इसकी। तो इसमें दो बैकलाइट स्ट्रिप है, एक में 5 और दूसरे में 5, मतलब दो बैकलाइट स्ट्रिप से इसकी पूरी लाइट बनाई हुई है। तो हम बैकलाइट स्ट्रिप को निकाल लेते हैं, बिकॉज दोनों ही हमें रिप्लेस करनी है। तो ये दोनों बैकलाइट स्ट्रिप है जो हम रिप्लेस करेंगे, और साथ में जो वाइट लाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए है उसे भी हम रिप्लेस करेंगे। हम हमारे स्टूडेंट को ये भी सिखाते हैं कि जब बैकलाइट डालनी हो तो आपके पास यूनिवर्सल बोर्ड कुछ इस टाइप का होना चाहिए, जिसमें हर तरह के रिजोल्यूशन होते हैं। अलग अलग जम्पर से इसमें अलग अलग रिजोल्यूशन हम डाल सकते हैं। किस तरह से LVDS मैचिंग करते हैं ये भी हम बताएँगे कोलकाता की ट्रेनिंग में। और चेक करके पैनल पूरी तरह से निश्चित हो गए कि भाई इसमें पैनल ओके है, उसके बाद ही हम बैकलाइट मंगाते हैं, तो ये हम नहीं नुकसान हो उसके लिए करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोलकाता की ट्रेनिंग है, 3 दिन की सेमिनार, 20, 21, 22 फरवरी 2026 को है ये। एडवांस बुकिंग करनी है आपको 1000 पे करके, और यहाँ पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी हम बैकलाइट मंगा सकते हैं, बिकॉज़ इसमें डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और बैकलाइट लगा दी आपने, उसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ है। एक एक बैकलाइट पे आपको वोल्टेज चेक करना है। इसमें एक लाइट के जो वोल्टेज हैं वो चेक करना है। ये 6 वोल्ट की लाइट है, यहाँ पर 6.23 वोल्ट, ये ओके है, ठीक है। और जो ये 6.5 होता तो नहीं चलता, तो यहाँ हमें वोल्टेज चेक कर लेना होता है और टोटल बैकलाइट के वोल्टेज भी चेक करने होते हैं। और टोटल बैकलाइट के वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं 62.8 वोल्ट। तो ये ठीक है। अभी हमें पूरा पैनल असेंबली वापस फिट करना है जैसे हमने खोला था। इसके बाद ये रबर वेजेस जो हैं जिस पे डिस्प्ले हम रखते हैं वो लगाना है। तो देख सकते हैं एकदम वाइट लाइट है अब, क्योंकि हमने वो जो येलो सीट थी हमारी ख़राब थी वो बदल दी है। ओके, अभी हम पैनल को रख के चेक कर लेते हैं पिक्चर कैसी आ रही है। अब इसमें ये वेजेस लगाते समय इतना ध्यान रखना है, ये टॉप राइट लिखा है, TR मीन्स टॉप राइट, सी सॉर्ट की पैनल है तो उसके हिसाब से इसकी रबर वेजेस है टॉप राइट और नीचे वाला बॉटम राइट, ठीक है। तो ये राइट में ही लगेगा बॉटम नीचे, और ये लगेगा टॉप राइट में, तो TR लिखा है। वैसे ही इस साइड में टॉप लेफ्ट ये वाला जो है बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट मीन्स नीचे लेफ्ट साइड का। और चारों कोने अच्छे से चेक कर लेने हैं, गलती होने की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। अगर जो गलती हो गई तो पैनल ब्रेक हो जाएगी, दूसरा रीटेक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज 4 साइड्स चेक कर लें कि पैनल अंदर की साइड हो, सबसे मेन जरूरी। इस टाइप के जो फॉल्ट्स होते हैं ये नॉर्मली LVDS केबल से रिलेट करते हैं, तो हमें LVDS केबल क्लीन करना होता है या रिप्लेस करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TV तो स्टार्ट हो चुका है, इसमें नो बैकलाइट का प्रॉब्लम था। अभी हम ये सॉल्व करके बताते हैं आपको। कलर ग्रेन्स देख रहे हैं ब्लू कलर में, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर ग्रेन्स की प्रॉब्लम है, तो इसे भी हम ठीक करके बताते हैं। ये नॉर्मली LVDS केबल की फॉल्ट है, दोनों साइड से LVDS केबल को क्लीन करना है इस फॉल्ट के लिए। सो हमने अभी LVDS केबल क्लीन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं वो जो कलर की ग्रेन्स आ रही थी वो सही हो गई है। कोलकाता की ट्रेनिंग है, 3 दिन की सेमिनार, 20, 21, 22 फरवरी 2026 को है ये। एडवांस बुकिंग करनी है आपको 1000 पे करके, और यहाँ पर दिए गए नंबर पे फ़ोन करके आप बुकिंग कर सकते हैं।